सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम जो है व्यतिकरण और विवर्तन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, दोनों में अंतर देखेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है और विवर्तन क्या होता है। व्यतिकरण की घटना हमने पढ़ रखी है कि जब दो तरंगे, यानी कह रहे मतलब ये हुआ कि दो तरंगे यदि एक ही दिशा में चलती है और वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है, मिलती है, तो क्या होता है कि कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो इस प्रकार का जो पैटर्न मिलेगा, प्रतिरूप मिलेगा, जहाँ पर कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, तो इस प्रकार का जो प्रतिरूप पैटर्न मिलता है, चित्र बनता है, उस पैटर्न को, उस प्रतिरूप को हम बोलते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण में क्या होगा कि दो कला समान स्रोत होगा, उससे दोनों तरंगें चलेगी, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होगी, तो कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम यानी चमकीली लाइनें दिखाई देगी और कुछ बिंदुओं पर काली लाइनें दिखाई देती है यानी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस प्रकार का जो घटना होती है या इस प्रकार का जो प्रतिरूप प्राप्त होता है, पैटर्न मिलता है, उसको नाम देते हैं व्यतिकरण। तो दो कला संबंध स्रोतों से चलने वाली तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। समझाया हुआ? दो स्रोत होंगे, मान लो कि ये दो स्रोत है हमारे पास, जिससे ये एक स्रोत है जिससे प्रकाश तरंग चल रही और एक प्रकाश तरंग चल रही, ये दोनों जब बारीक स्रोत से होकर गुजरती, स्रोत मतलब छिद्र से होकर गुजरती और गुजरने के पश्चात जब किसी बिंदु पर मिलती है, मान लो यहाँ मिलती है, कहीं पर मिलती है, पर्दे पर मान लो पड़ता है, यहाँ पर मिलती है या यहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है या यहाँ मिलती है, कहीं पर मिल सकती है, दोनों तरंगें यहाँ मिलती है, ऐसे अलग अलग स्थान पर मिल रही है। तो प्रैक्टिकली देखा गया कि जो पर्दे पर जब मिलती है तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो जहाँ पर अधिकतम हो जाती है वहाँ पर एक दीप्त दीप्त मतलब चमकीली लाइन दिखाई देती है और जहां पर न्यूनतम हो जाती है वहां इस तरह से काली काली लाइन दिखाई देती है, इस तरह से। तो ये जो पैटर्न बनता है, काली लाइन फिर बीच में चमकीली लाइन फिर काली लाइन फिर चमकीली लाइन फिर काली लाइन, तो इस प्रकार का जो पैटर्न बनता है, प्रतिरूप बनता है, उस प्रतिरूप को नाम देते हैं व्यतिकरण। दो कला संबंध स्रोतों से चलने वाली तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप जो प्रतिरूप प्राप्त होता है, उस प्रतिरूप को हम व्यतिकरण कहते हैं। इसमें चमकीली लाइन बनेगी और काली लाइनें बनती है, जिसको यंग ने फ्रिंज नाम दिया। फ्रिंज मतलब लाइनें, काली और चमकीली लाइन को फ्रिंज कहते हैं। व्यतिकरण विवर्तन में क्या होगा? विवर्तन किसको कहते हैं? जब कोई प्रकाश किसी छिद्र से होकर गुजरता है, बारीक छिद्र से होकर गुजरता है या किसी अवरोध से टकराता है, मान लो कि हमारे पास एक छिद्र है, इसी छिद्र से होकर ये प्रकाश जा रहा है, मान लो प्रकाश जा रहा है, ये प्रकाश इस छिद्र से ऊपर गुजरता है, तो प्रैक्टिकली देखा गया कि ये पर्दे पर जो होता है, अलग अलग बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अलग अलग हो जाती है। ये जो प्रकाश होता है किनारों से मुड़ जाता है, जब ये प्रकाश क्या होगा बारीक छिद्र से ऊपर गुजरता है तो ये प्रकाश क्या होता है किनारों से मुड़ जाता है, इस तरह से इधर भी चले जाता है, इधर भी चले जाता है, सामने भी जाता है, है। तो इस प्रकार से प्रकाश होता है किनारों से मुड़ जाता है, यानी जहाँ पर लाइट नहीं जाना चाहिए वहाँ पे भी चले जाता है, क्योंकि ये जो है यहाँ यदि प्रकाश ऐसे आता है तो यहाँ तो ये रुक जाता है, यहाँ तो काला काला दिखाई देता है क्योंकि यहाँ लाइट जाना नहीं चाहिए। इस प्रकार यहाँ यदि प्रकाश आता तो ये टकरा के रुक जाता, लेकिन यहाँ लाइट जाना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ भी चला जाता लाइट किनारों से मुड़ कर। तो प्रकाश जब किसी छिद्र से होकर गुजरता है या किसी अवरोध से होकर टकराता है तो प्रकाश जो होता है वो क्या होता है किनारों से मुड़ जाता है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। विवर्तन किसको कहेंगे? डिफ्रेक्शन, कि जब भी कोई लाइट किसी बारीक छिद्र से होकर गुजरता है या किसी ऑब्स्टेक से अवरोध से टकरा जाता है, मार्ग में कोई आ गया, मान लो बारीक कण आ गया, पार्टिकल्स आ गया, उससे टकराता है तो प्रकाश क्या होता है वो किनारों से मुड़ जाता है। इस घटना को विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का किसी बारीक छिद्र से गुजरने पर
किनारों से मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाएगी। तो विवर्तन में जो प्राप्त होगा वो इस तरह से उच्चिष्ट और द्वितीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है, मतलब यहाँ पर जो लाइट जा रहा है वहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है और बाकी जो तीव्रता क्या हो जाती है कम होती जाती है दोनों तरफ। इस प्रकार का पैटर्न मिलता अपने पास उच्चिष्ट और निम्निष्ट होता है, इस तरह से तीव्रता कम हो जाती है, इस तरह से पैटर्न मिलता है। इसमें काली चमकीली लाइनें नहीं दिखाई देती, इसमें इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग हमारे पास तीव्रता यहाँ अधिकतम होती है और साइड में जो तीव्रता लाइट मोड़ के जाता है वहाँ पर तीव्रता कम होती जाती है। तो इस घटना को हम बोलते हैं विवर्तन। तो दो कला संबंध स्रोतों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप व्यतिकरण चित्र मिलेगा। एक ही प्रकाश स्रोत है और उससे जो द्वितीय तरंगिकाएं निकलती रहती है, अलग अलग तरंगे निकलती रहती, उसके कारण से जो प्रतिरूप प्राप्त होता है उस प्रतिरूप को ही हम विवर्तन कहते हैं। दोनों घटना समझ में आ गई कि व्यतिकरण किसको कहेंगे, विवर्तन किसको कहेंगे और उसके प्रतिरूप यानी पैटर्न कैसा बनेगा वो अपने को मालूम होना चाहिए। तो व्यतिकरण में क्या होगा, दो स्रोत होंगे उससे दोनों तरंगें चलेगी, वो अध्यारोपित होगी, मिलेगी तो कुछ बिंदु पर तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। जैसे यहाँ बता रहा था ये बीच में लाइट दिखेगा, चमकीली लाइट दिखेगी, ये यहाँ पर तीव्रता अधिकतम हो जाएगी और कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है यहाँ पर। तो अधिकतम और न्यूनतम होने के जो प्रतिरूप इस तरह से पैटर्न होता है, काली चमकीली, ये काली लाइन है बीच में चमकीली लाइन, काली लाइन चमकीली लाइन, इस प्रकार का जो पैटर्न होता है उसको नाम देते हैं व्यतिकरण। और इसमें इस तरह से मिलता पैटर्न है इस तरह से, मतलब बीच में तीव्रता अधिकतम, बाद में यहाँ तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, साइड से प्रकाश मुड़ते जा रहा तो तीव्रता कम होती जाती है। तो ये जो पैटर्न कहलाते हैं विवर्तन कहलाता है। इसमें एक ही स्रोत होगा, एक ही स्रोत से अलग अलग तरंगिकाएं निकलेगी, इस तरह से अलग अलग तरंगिकाएं निकलेगी, ये इस तरह से अलग अलग तरंगिकाएं निकलेगी और ये जब मिलेगी तो क्या होगा, जो प्रतिरूप प्राप्त होगा वो प्रतिरूप हमारे पास में विवर्तन कहलाता है। एक ही प्रकाश स्रोत से चलने वाली तरंगिकाओं के अध्यारोपण के फलस्वरूप विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। दो विभिन्न स्रोतों से चलने वाली तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप व्यतिकरण प्राप्त होता है। दूसरा हमने लिखा समस्त दीप्त पिंजों की तीव्रता एक समान होती है। यहाँ पे जो चमकीली लाइन दिखाई देगी ये कह सकते हैं ये तीव्रता जो है सबकी एक जैसी होगी, सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता इंटेंसिटी सेम होती है। जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस होगी, चमकीली लाइनें होगी या जिसको हम दीप्त कहते हैं, दीप्त मतलब चमकीली, यहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती, उन सभी फ्रिंजों की, फ्रिंज मतलब लाइनें, चमकीली लाइन जो होती है, दीप्त लाइन होती है, उनकी इंटेंसिटी सबकी तीव्रता एक समान होगी। इसमें क्या होता है कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, बीच में जो उच्चिष्ट बनता है, यहाँ पर तीव्रता ज्यादा होगी क्योंकि सीधा लाइट जा रहा है और साइड से किनारों पर जो बनेगा उसको द्वितीय उच्चिष्ट कहा गया। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम दिख रहा है अपने को, मैक्सिमम तीव्र इंटेंसिटी, और बाकी जो द्वितीय उच्चिष्ट होता है सेकेंडरी मिनिमा होते हैं, इसको मैक्सिमा बोलते हैं और इसको मिनिमा बोलते हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट भी कह सकते हैं इसको। तो केंद्रीय उच्चिष्ट है मतलब जिसको मुख्य उच्चिष्ट भी कहते हैं, मेन मैक्सिमा कहते हैं या सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं इसको, सेंट्रल में जो बीच में होता है इसकी तीव्रता अधिक होती है और बाहर के जो दूसरे होते हैं हाइट साइड में इनकी तीव्रता क्या होती है कम होती है, जिसको हम द्वितीय उच्चिष्ट बोलते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमा भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगी, जितनी भी दीप्त फ्रिंजें होती है, चमकीली लाइनें होती है, उनकी इंटेंसिटी उनकी तीव्रता एक समान होती है। और इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, सेंट्रल मैक्सिमा होता है, उसकी तीव्रता अधिक होती है और बाद वाले जो द्वितीय उच्चिष्ट होते हैं उनकी तीव्रता क्या होती है, क्रमशः स्पेक्ट्रली कम होती जाती है। थर्ड हमने लिखा है कि सभी दीप्त तथा अधिक फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। ये जो चौड़ाई ले रखी है बीच में, ये चौड़ाई इनके फ्रिंज की जो ब्रेथ है वो क्या होती है, एक समान होती है, चौड़ाई एक समान होती है। ये जो चौड़ाई ले रखी है, जो भी दीप्त दीप्त मतलब चमकीली लाइन बीच में जो बना रखी है, अधिक्त मतलब काली लाइन जो बना रखी है, ये दीप्त अधिक्त दीप्त अधिक्त दीप्त अधिक्त दीप्त लाइन बनेगी, इनकी जो चौड़ाई होती है बेड होती है वो क्या होती है, एक समान होती है। तो सभी दीप्त और अधिक्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। हम यंग का प्रयोग पढ़ेंगे उसमें हम ये ज्ञात करेंगे
कि जितनी भी चमकीली लाइन होती है जिसको हम दीप्त लाइन बोलते हैं उनकी चौड़ाई, और जितनी भी काली लाइनें होती है जिसको हम अदीप्त फ्रिंजे बोलते हैं उनकी चौड़ाई दोनों की बराबर होती है। तो ध्यान रखना कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजे की चौड़ाई एक समान होती है। इसमें क्या होगा, जो केंद्रीय उच्चिष्ट होते हैं इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी और बाकी जो दूसरे उच्चिष्ट होते हैं उनकी चौड़ाई कम होती जाती है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई अधिक और दूसरे उच्चिष्ट होते हैं उनकी चौड़ाई क्रमशः कम होती जाती है। इसमें एक समान होती, तीव्रता एक समान होगी और चौड़ाई भी एक समान होगी। इसमें तीव्रता इसकी ज़्यादा होगी और राइट साइड से कम होती जाएगी। फिर हमने लिखा न्यूनतम तीव्रता के बिंदु, इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की संख्या अधिक होती है। इसमें जो लाइनें बनती है बहुत ज़्यादा लाइनें बनती है, ध्यान रखना चमकीली और काली जो लाइनें बनती है इसको फ्रिंज कहते हैं। फ्रिंज मतलब चमकीली और लाइन काली लाइनें होती है उसको नाम देते हैं फ्रिंज, या मैंने उसको नाम दे दिया फ्रिंज। तो चमकीली और काली जो लाइनें बनती है जिसको हम फ्रिंज कहते हैं इसकी संख्या बहुत अधिक होती है, इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई देती है व्यतिकरण में। इसमें जो उच्चिष्ट बनते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट या द्वितीय उच्चिष्ट इनकी संख्या कम होती है ज़्यादा। फिर हमने लिखा कि न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले होते हैं। ये जो अदीप्त लिखा ये पूरी तरह से काला दिखाई देता है, ध्यान रखना इसमें तीव्रता बिल्कुल शून्य हो जाती है। न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले होते हैं। इसमें जो होता है लाइट जो जाता है ये जो दिख रहा है यहाँ पे जाएगा तो भी कुछ ना कुछ लाइट अपने को प्राप्त होता है, यानी न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले नहीं होते हैं, कुछ न कुछ लाइट दिखाई देगा व्यतिकरण विवर्तन में, ध्यान रखना कुछ न कुछ तीव्रता होगी, पूरी तरह से काले वो नहीं होते हैं। फिर हमने लिखा इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच विपर्यास विभेद अच्छा होता है, मतलब आप पता लगा सकते कि काली लाइन है बीच में चमकी लाइन है, काली लाइन चमकी लाइन, आसानी से आप पता लगा सकते कि दीप्त फ्रिंज है कि अदीप्त फ्रिंज है। क्यों, क्योंकि एक तो चमकीली दिखाई देगी और एक काली दिखाई देगी, तो हम आसानी से उसमें विभेद या अंतर कर सकते हैं, दोनों में कॉन्ट्रास्ट अच्छी तरह से हम कर सकते हैं। तो इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच जो विभेद या अंतर या विपर्यास आसानी से कर सकते अच्छा होता कहने को। अब देखो यहाँ भी लाइट दिख रहा है, यहाँ भी लाइट दिख रहा है, यहाँ भी लाइट दिख रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसमें विभेद यानी विपर्यास कॉन्ट्रास्ट नहीं कर सकते हम अच्छी तरह से, नहीं कर सकते कि ये पहला मैक्सिमा होगा या द्वितीय होगा तीसरा होगा, इस तरह से अपन विभेद नहीं कर सकते। इसमें तो हम आसानी से पता लगा सकते कि चमकीली लाइन है कि काली लाइन है, वो आसानी से दिख जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिखा देगा। यहाँ भी तीव्रता है, यहाँ भी तीव्रता है, यहाँ भी तीव्रता, ये पूरी तरह से काले नहीं होते, जैसे नहीं होते सब, तो काले नहीं होने के कारण से पता नहीं लगेगा कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा मैक्सिमा होगा, ये पता हम या विभेद नहीं कर सकते हैं। यानी उच्चिष्टों और निम्निष्टों के बीच या केंद्रीय जो उच्चिष्ट बनते जितने भी उनके बीच अपन विभेद आसानी से नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। फिर हमने लिखा कि व्यतिकरण प्रतिरूप में लेमड़ा अपान टू कोण पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। यदि फ्रेनल ने प्रयोग किया था, आगे आया फ्रेनल का प्रयोग, उसमें इन्होंने देखा था कि जो दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है वो लेमड़ा पान टू एंगल पर कोण पर प्राप्त होती है, जहाँ लेमड़ा जो होती है वो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी होती है ए, और लेमड़ा तरंग घेरी होती है, वेवलेंथ होती है। तो दीप्त फ्रिंज की जो बीच की जो दूरी होती है हमारे पास है व्यतिकरण प्रतिरूप में लेमड़ा पान टू कोण पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, ध्यान रखो। कॉम्पिटिशन में कभी आता है कि दीप्त फ्रिंज कितने कोण पर प्राप्त होती है, लेमड़ा पान टू पर, और ए क्या होता है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी होती है। इसमें विवर्तन प्रतिरूप में लेमड़ा पान टू कोण पर प्रथम निम्निष्ट प्राप्त होता है, ये पहले वाला लेमड़ा पान टू एंगल पर, जहाँ ए जो होता है एकल स्लिट की चौड़ाई, क्योंकि एक ही स्लिट होती है इसमें, इसलिए यहाँ पर ए जो होगा वो सिंगल स्लिट की विभेद होगी, चौड़ाई होगी उसकी, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर है, इसको अच्छी तरह से याद करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बारहवीं के लिए भी और कॉम्पिटिशन के लिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।